हाय गाइस, प्रीति वारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति वारी और आज मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है। तो कैसा लग रहा है ये मैं पूरा वीडियो में एंड तक बताने वाली हूँ। तो अपना आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से सीख के ये वाला दुर्गा पूजा के लिए ये मेकअप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आई होप अच्छा लगे और जल्दी से आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुर्गा पूजा में बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए। बटन क्लिक करते ही आपको बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ तो मेरे बाल गीले हैं यहाँ पे, तो मैं इनको ऊपर करके सेट कर लेती हूँ ताकि मेकअप करने में दिक्कत ना आए। तो चलिए सेट कर लेते हैं। उसके बाद से मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी लैक्मे 925 का प्राइमर। जैसे कि आपको पता है मैं बहुत लॉन्ग टाइम से इसको अप्लाई कर रही हूँ फेस पर मेकअप के लिए। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से हाथ पर लेंगे और चेहरे पर लगा लेंगे। ओके, अच्छे से लगा के एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छे से लग गया है, अब एक मिनट टाइम देख के एक मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। अच्छे से जब ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए, ड्राई हो जाए, तो आप यहाँ पे मैक का मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में मेकअप के वीडियो में आपको बताया हुआ है कि मैक का फाउंडेशन बहुत अच्छा है HD मेकअप के लिए या फिर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही ग्लोसी सा मेकअप दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ले लिया है इस तरीके से और चेहरे पे मैं यहाँ पे पूरी ब्लेंडिंग अपने हाथ से ही कर लूँगी फाउंडेशन की। तो इस तरीके से टैप टैप करके लगा दिया है पूरा। ओके, गर्दन पे भी आपको सेम लगाना है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। मैं हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी अभी इसको, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है ये, आप देख सकते हैं। और अभी मैं आई मेकअप की तरफ पहले आईब्रो पेंसिल लगा लेते हैं अपना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आईब्रोज को चौड़ा कर रही हूँ क्योंकि मुझे बंगाली सा लुक देना है। तो थोड़ा सा चौड़ा आईब्रो, बड़ी बिंदी इस टाइप का होगा कुछ लुक। तो आप पूरा वीडियो वैसे भी अपनी स्टार्टिंग में देखा है थोड़ा सा, तो फाइनल वीडियो देख लीजिएगा। फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़ गाइस। तो इस तरीके से चौड़ा सा आईब्रो पेंसिल करके इसको अच्छे से आईब्रो पेंसिल के ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने लगा लिया है और इसको आईब्रो पेंसिल के ब्रश, आईब्रो ब्लेंड करने वाला ब्रश आता है तो उससे मैं ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से लगा लिया है, फिर दूसरी आईब्रो पे भी सेम इसी तरीके से अप्लाई कर लेना, एकदम सेम साइज ही लगाइएगा आईब्रो का। देखिए कितना डिफरेंट लग रहा है दोनों आईब्रोज में, है ना। तो अभी दूसरे वाले आईब्रो भी सेम इसी तरीके से लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से लाइनिंग बना के और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। फिर मैं यहाँ पे मैक का ही मेकअप करेक्टर यानी कि कंसीलर यूज कर रही हूँ। तो थोड़ा सा लेंगे और मैं आईज के और जहाँ पे भी डार्क डार्क सा है वो सब जगह अप्लाई कर लेंगे। पहले हम लोग आईब्रो को अच्छा से शेप देने के लिए आईब्रोज के नीचे आईज पे पूरा इस तरीके से मैं उंगली से ही अप्लाई कर ले रही हूँ। बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो जाता है, मुझे उंगली से फिंगर से ही करना पसंद है अच्छे से। आप चाहे तो ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से अप्लाई कर लेना है सेम दोनों आईब्रोज के नीचे और पूरा आईज पे अपना। इससे क्या होता है कि हमारा आई मेकअप ना अच्छे से बेस बनता है और अच्छा सा लुक आता है, इसीलिए कंसीलर लगा लेना चाहिए आई मेकअप करते टाइम। तो मैं थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर भी की हेल्प ले रही हूँ यहाँ पे। ब्यूटी ब्लेंडर जब भी अप्लाई करते हैं तो उसको गीला ज़रूर कर लीजिए, तभी आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड होता है। पूरा मेकअप अच्छा लुक देने के लिए आपको ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छे से ब्लेंडिंग होगी तभी आपका मेकअप अच्छा लुक देगा आपको और पैची सा नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा। तो ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा गाइस।
ओके। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अभी हम तो थोड़ा सा नोज पे, गाल पे, चिक पे, सब जगह मैं इस तरीके से अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। ओके, ताकि मेरा गर्दन फेस सब सेम कलर का दिखे। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हो पूरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और अभी हम लोग चलेंगे आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप करने से पहले आप इस पर कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने आईज को सेट कर लीजिएगा। मैंने वो वाला थोड़ा सा स्किप हो गया। तो आईज मेकअप बेस को सेट कर लीजिएगा कॉम्पैक्ट पाउडर से। उसके बाद हम लोग आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज और पिंक कलर से आई शैडो लगाऊंगी। ओनली आई शैडो से ही मैंने मेकअप किया, ज़्यादा हाई मेकअप नहीं करना है क्योंकि बाहर जाना है तो अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरीके से क्रीच एरिया पे अपने मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का आई शैडो लगाया है। बहुत ही अच्छा है ये, बिल्कुल भी गिरता नहीं है। तो हमें टेप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके नीचे में, बिल्कुल भी स्किन पर नहीं फैलता है और बिल्कुल गिरता नहीं है इधर उधर। तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना टेप। तो बहुत अच्छा होता है आई शैडो, ये वाला बहुत अच्छा है। और इसको मैंने ऐसे अप्लाई कर लिया, मैंने यहाँ पे पास ही के दुकान से इसको लिया था। बहुत अच्छा मिल गया मेरे को आई शैडो, ये वाला आई शैडो वैसे सारे अच्छे होते हैं। तो आई शैडो पैलेट यूज करना चाहिए आई मेकअप करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज, हल्का ऑरेंज कलर, लाइट और लाइट पिंक कलर से आई मेकअप स्टार्ट कर दिया अपना। और ये इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया क्रीच एरिया पे और आईज के आउट कॉर्नर पे ऑरेंज कलर, थोड़ा सा ब्राउन शेप में है कलर में है, और फ्रंट कॉर्नर पे पिंक कलर। ओके, तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है आई मेकअप, एकदम लाइट लाइट से मेकअप हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। मैंने यहाँ पे फेस पे गोल्डन कलर का, जैसे आईज के दोनों सेंटर में गोल्डन कलर का आई शेडो यूज किया। ये देखिए कितना सुंदर सा लुक आया है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। एकदम लाइट सा मेकअप मुझे पसंद आता है, ज़्यादा डार्क मेकअप अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने आईब्रोज के नीचे में हाईलाइटर यूज कर लिया है इस तरीके से, ताकि मेरा आई मेकअप अच्छे से उभर के आ जाए। तो दोनों आईज के नीचे में मैंने यहाँ पे आईब्रोज के नीचे मैं हाईलाइटर यूज कर लिया है। देखिए कितना सुंदर आई मेकअप लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे लाइनर यूज करेंगे, लैक्मे 925 का मैंने लाइनर यहाँ पे यूज किया है। तो लाइनर हमेशा आप थोड़ा सा अच्छा सा ब्रांडेड सा यूज करें, क्योंकि सस्ता लाइनर क्या होता है कि फैल जाता है। महंगा लाइनर में एक फ़ायदा होता है कि आप जब भी अगर ये फैल जाए इधर उधर तो आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। सूखने के बाद से आराम से ये निकल जाता है और सस्ता वाला फैल जाता है जब आप रिमूव करते हैं। तो अच्छा होता है ये वाला यूज कीजिए, वाटरप्रूफ लाइनर अच्छे होते हैं। वो कहावत है ना, सस्ता तो वही बार बार महंगा तो एक बार। तो आप थोड़ा सा कॉस्टली लेंगे तो बहुत अच्छा मेकअप आता है और बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ से मैंने आई लाइनर इस तरीके से लगाया है। देखिए कितना सुंदर आई लाइनर भी लग गया। थोड़ा सा मैं आई लाइनर को चौड़ा कर दूँगी, ताकि दुर्गा पूजा लुक है और बंगाली लुक देना है तो बंगाली लुक थोड़ा सा बड़ा बड़ा सब कुछ बड़ा बड़ा यूज करते हैं तो इस टाइप से। तो सेम इसी तरीके से आपको दूसरी आईज पे भी अप्लाई कर लेना है। ओके, तो दोनों आई लाइनर मैंने दोनों आई साइड पर आई लाइनर लगा लिया है। और आईज के लो वाटर लाइन पर मैं थोड़ा सा जो मैंने ब्राउन कलर जो आउटसाइड कॉर्नर पे दिया था आईज के, वो यहाँ पे लोअर वाटर लाइन पे लगा लिया है। उसके बाद मैं नीचे पे भी लाइनर अप्लाई करूँगी लो वाटर लाइन पे आईलाइनर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी काफ़ी प्यारा लुक लग रहा है। बट मेरी आँखों पे काजल बहुत जचता है और मुझे काजल डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो मैं लाइनर ही नीचे लगा लेती हूँ। और चौड़ी आईब्रोज भी कितनी सुंदर लग रही है ना, प्यारी लग रही है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आप लोग को मेरा मेकअप। तो ये अभी पूरा मेकअप हुआ नहीं है गाइज, अभी बहुत सारा मेकअप बाकी है, तो देखते रहिए। तो मैंने यहाँ पे आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं लैक्मे 925 का ही पाउडर यहाँ पे यूज कर रही हूँ फेस पाउडर, फेस के मेकअप को सेट करने के लिए। ओके, बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अभी लास्ट में मैंने यहाँ पे नोज को पतली करूँगी
कंटूरिंग भी करनी है तो सब कुछ दिखेगा आपको मेकअप में। तो मेरा लाइनर जो फैला हुआ है इस पर उसको हटाना नहीं है, पूरा अच्छे से सूखने देना है, उसके बाद ही इजीली रिमूव हो जाएगा। फिर कॉटन वॉटन की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे अपने गालों पे थोड़ा सा ब्लश यूज कर रही हूँ पिंक कलर का, तो अच्छा सा लुक देने के लिए, नेचुरल मेकअप के लिए इस तरीके से। फिर मैं यहाँ पे अपने आईज के फ्रंट कॉर्नर पे हाइलाइटर यूज करूँगी ताकि आईज अच्छी दिखती है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नोज को थोड़ी सी पतली दिखाने के लिए ब्राउन कलर का आई शेडो में से ही लिया है मैंने पैलेट में से ब्राउन कलर का सेट, और इस तरीके से नोज को पतली दिखाने से नोज का ये वाला करना ज़रूरी है, कंटूरिंग कर लीजिएगा अच्छी दिखती है और नोज शेप में दिखे तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद से बीच में हम लोग हाइलाइटर लगा लेंगे हाई पॉइंट्स पे अपने, देखिए कितना सुंदर नोज का शेप दिख रहा है ना। अभी हम लोग यहाँ पे हाइलाइटर लगा देंगे, देखिए कितना सुंदर नोज का फेस, नोज का शेप कितना सुंदर आ गया है। और थोड़ा सा चिक पे भी लगा लेती हूँ मैं, थोड़ा सा चिक पतला दिखाने के लिए अपना। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं आपकी, अगर आपका फेस पतला हो तो, और लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे ब्रश को थोड़ा सा ऐसे पतला सा पकड़ के और उसी से लगा ले रही हूँ, देखिए कितना सुंदर सा शेप आ रहा है, हो गया ना। अभी हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे, पहले अच्छे से फेस का मेकअप कंप्लीट कर लें। तो अभी सेल्फ मेकअप इस तरीके से कर सकते हैं अपना मेरा वीडियो देख के। तो नोज पे थोड़ा सा और हाइलाइटर यूज करेंगे ताकि और नोज का अच्छा सा दिखे लुक आए, और यहाँ पे चिक्स पे भी लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आईलैश लगा रही हूँ मैक का, बहुत अच्छा आईलैश है। इस तरीके से ग्लू लगा लेते हैं और इसको इस तरीके से हिला लेना है। उसके बाद हम लोग ग्लू लगा लिए यहाँ पे, और उसके बाद देन अप्लाई कर लेना है आपको। पहले मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, तब तक ग्लू को तो डायरेक्ट आईलैश को अप्लाई नहीं करना चाहिए ग्लू लगाने के बाद से कम 30 सेकेंड के लिए आपको छोड़ देना है आईलैश को। तो ये देखिए कितना सुंदर लिपस्टिक का भी कलर है, रेड रेड सा जो एक्स्ट्रा फैला उसको रिमूव कर लीजिए। और लिपस्टिक को अच्छा शेप देने के लिए आप फेस पाउडर से लिपस्टिक के आउटसाइड पे पूरा पाउडर लगा लीजिए ताकि आपको लिपस्टिक का अच्छा सा शेप मिल जाए इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया, कितना अच्छा मेकअप हुआ है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको लोग को मेरा मेकअप। तो यहाँ पे आई लाइनर जो फैला हुआ था उसको मैं रिमूव कर लूँगी, आई लैस लगाने के बाद रिमूव कर लूँगी, तो ईजिली आई लैस मेरा यहाँ पे लग जाएगा। तो मैंने दोनों आईज पे इस तरीके से आई लैस लगा ली है। तो अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने बिंदी भी लगा ली थोड़ी बड़ी सी। और ये है मेकअप फिक्सर इस ब्यूटी का, बहुत अच्छा है ये भी, तो मैं इसको अप्लाई कर ले रही हूँ और इसको अच्छे से सूख जाने दीजिए। देखिए कितना अच्छा मेकअप हुआ है, तो ये देख सकते हैं पूरा पास से मैं दिखा रही हूँ, मेकअप एकदम कैची सा नहीं है, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा लुक आया है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आप लोग को। मैंने यहाँ पे बंगाली साड़ी भी पहनी हुई है, इस तरीके का लुक आया है पूरा मेकअप करने के बाद से। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो गाइस। तो मैंने यहाँ पे इयररिंग्स भी डाल दी बड़ी बड़ी सी ताकि थोड़ा सा और अच्छा लुक आ जाए। ये वाली फ़ोटो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी की थी, तो आप लोग चेक नहीं किए हो तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। मेरी सारी वीडियोस देखते देखते रहिए, अच्छी अच्छी मैं हेयर स्टाइल भी बताती हूँ, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पे सिखाती हूँ। और नेक्स्ट मैं लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे साड़ी स्टाइल्स भी, तो देखते रहिए और प्लीज़ सपोर्टिंग मी गाइस।
कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा, मैं कैसी लग रही हूँ इस तरीके से रेडी होके। ओके लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो आई होप आप लोग को अच्छे से मेकअप समझ में आ गया होगा और इजी है ना, बहुत ही जल्दी आप लोग ये वाला मेकअप क्रिएट कर लेंगे। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, लव यू ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय गाइज।